देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, एक है बिट्टू बजरंगी की और दूसरी है फाइनेंशियल टाइम्स की। इन दोनों का कोई मेल है? मैं आपको खबर बहुत भारी नहीं बताऊंगा, ना ही ये बताऊंगा कि बाहर के दो मीडिया संस्थानों ने अडानी का किस प्रकार से पोस्टमार्टम किया है और किस प्रकार से साबित किया है कि साहब बाहर का पैसा यहां लगा था। उन लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं, ये बात तो आप तक पहुंच ही चुकी होगी और ज्यादा आप इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, लेकिन चूंकि वो बड़ी भारी टर्म्स के अंदर बात बताई जाती है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में एक से डेढ़ मिनट तो बात बताऊंगा ये। और दूसरी बात मैं बताना ये चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद आपके रोजी रोटी में राहुल गांधी ने जो बताया कि भारत के बिजनेस पर कुछ फर्क पड़ेगा, मैं उससे कंसर्न हूं। तीसरी, शुरुआत में जो मैंने आपसे कहा कि बिट्टू बजरंगी और फाइनेंशियल टाइम्स, ये दोनों चीजें, क्या इसकी बात, फाइनेंशियल टाइम्स की बात, इस आदमी की समझ में आ सकती है? तो आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या मैं ऐसी चेष्टा करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। फाइनेंशियल टाइम्स से इस आदमी का क्या ताल्लुक है? एक दुनिया का ऐसा मीडिया संस्थान जिसे संसार के तमाम बिजनेस ग्रुप इस इज्जत की नजर से देखते हैं कि ये अगर कोई बात लिख रहा है तो अपना इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर ये बात कोई खतरे की बता रहा है तो अपने इन्वेस्टमेंट को रोकना है। इतनी ही इज्जत है फाइनेंशियल टाइम्स की। गार्जियन ने भी लिखा, किन लोगों ने कहा है, क्या कहा है, उसे छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि जब G20 होने जा रहा है, ऐसे समय में G20 के 20 देश और 10 इनवाइटी देश और लगभग 30 से 40 देशों के बीच के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति और नुमाइंदे प्रधानमंत्री भारत में होंगे, तमाम दुनिया की मीडिया यहां होगी, तो आप ये बताइए ऐसे समय में जब ये रिपोर्ट आई है जो बताती है कि अडानी का भाई अपने दो विदेशी लोगों के साथ किस प्रकार से कालाधन यहां ला करके वापस ले जा रहा था और यहां से जाकर के फिर वापस आ रहा था, इसके बारे में आप ये बताइए कि जब पता चलेगा कि यहां का स्टॉक मार्केट, यहां का मार्केट इतना मैन्युपुलेट हो सकता है, तो क्या बाहर का FII, बाहर का इन्वेस्टर हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर विश्वास रखेगा? और अगर वो विश्वास नहीं रखेगा तो ये बताइए क्या हमारी इकोनॉमी मजबूत हो सकती है? चीन दुनिया का राजा क्यों बन गया है? आज कोई बंधन नहीं है दर्शकों कि मैं कभी वीपी सिंह का जिक्र कर बैठूं या 77 की बात का जिक्र कर बैठूं, चीन को ले आऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में यह बात है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारत की मार्केट का अगर इस तरह से एक ही आदमी के जरिए बदनामी का सबब बनता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी यह बनती है कि मैं आपको कम से कम ये बात तो बता दूं कि आखिरकार अगर भारत का मार्केट बदनाम होता है और बाहर का इन्वेस्टर यहां नहीं आता है तो आपकी आमदनी पर भी फर्क पड़ेगा, मेरी आमदनी में भी फर्क पड़ेगा। वीपी सिंह ने 65 करोड़ रुपए का मुद्दा जब उठाया था, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहते हुए इस्तीफा देकर उठाया था, तो पूरे देश ने उसको एक्सेप्ट इसलिए किया था कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया, उन्हीं की सरकार में मंत्री पद का मजा लेते रहते, लेकिन देशवासी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये बात अलग है कि उस रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल पाया, आज तक साबित नहीं हो पाया है। हालांकि स्वीडिश एम्बेसडर की किताब है, उसमें लिखा है कि राजीव गांधी ने पैसे लिए थे, लेकिन बात यह है कि उस समय की जनता कौन थी जो वीपी सिंह की बात में स्वीडिश रिपोर्ट के आधार पर यकीन कर गई थी और बोफोर्स का मुद्दा बन गया था। क्या यह बिट्टू बजरंगी फाइनेंशियल टाइम्स की बात को एक्सेप्ट कर सकता है? क्या इसकी स्पेलिंग भी लिख सकता है? यह माहौल है आज, उस माहौल को, उस मोब को, उस जनता को जो ज़ॉम्बी बन गई है, जो बिट्टू बजरंगी बन गई है, उसके सामने आप ये बात बताना चाहते हैं कि देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, आरोपों के अनुसार मोदी जी का लिंक्ड बताया गया है अखबारों में, उनकी मदद से आरोप है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, वो एक मार्केट को मैनिपुलेट करता है, अपने फायदे के लिए अपने शेयर्स के पैसे बढ़ा देता है,
बाहर के पैसे अंदर लाता है, फिर यहां से लोन उठा लेता है और जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं होता जितना कि वो दिखा देता है। इस अट्रैक्ट में 12 लाख करोड़ रुपया मार्केट से उड़ गया था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जब वो आई थी। तो बहरहाल मैं अपनी बातों को थोड़ा समेटने की कोशिश करता हूं। ऐसे समय में राहुल गांधी ने ये बात और भी बहुत सारी बातें कही, चीन की कही, ये कही, वो कही। मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात पर रहना चाहता हूं कि इस तरह के माहौल में जब फाइनेंशियल टाइम्स जैसा अखबार इस बात को सबूत दे चुका है, सबूतों के साथ इंटरनल ईमेल्स अडानी ग्रुप की उसने उजागर करके रख दी हैं कि इनवॉइसेस किस तरह से महंगी बनाई गई हैं, बिल किस तरह से महंगे बनाए गए हैं, और अडानी ग्रुप के मैनेजर, अडानी ग्रुप के अधिकारी उसके अंदर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ईमेल मिल चुकी है। तो अब मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी संस्था है जो इस बात की जांच करेगी, सेबी करेगी, जो लगभग क्लीन चिट दे चुकी है और कह रही है कि हमारे पास अभी कुछ दो चीजों के अंदर बाहर से रिपोर्ट आनी बाकी है। कौन बताएगी? कोई नहीं बताएगा। उस सेबी का डायरेक्टर पहले वाला जब एनडीटीवी का डायरेक्टर बना दिया जाता जो अडानी का टीवी है, तो अब आप ये बताइए उम्मीद कर सकते हैं आपके आपके सामने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? आप समझना भी तो नहीं चाहते बहुत से लोग, क्योंकि बिट्टू बजरंगी ने और इस तरह के लोगों ने वो माहौल पैदा कर दिया है कि ऐसे समय में वीपी सिंह के समय की जनता और आज की जनता में बड़ा फर्क है। निर्भया कांड अभी हुआ था, पूरा देश मोमबत्ती लेकर के आ गया था, और उसके बाद कितने कांड हो गए हैं। क्या देश मोमबत्ती की बात के लिए माचिस की तीली भी जलाई किसी ने? ये इस माहौल के अंदर, इस शोर के अंदर फाइनेंशियल टाइम्स की बात सुनेंगे आप? मेरी बात सुनेंगे आप? नहीं, आप में से कुछ लोग सुनेंगे। जो सुनेंगे वो अभी तक बाकी भी बचे होंगे, अब तक तो जा चुके होंगे वो। लेकिन बहरहाल दर्शकों, राहुल गांधी का बड़ा वैलिड सवाल, चीनी सवाल है, वो सवाल है, ये सवाल है, मैं इसके बारे में नहीं जाता। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब एक बिजनेसमैन के हाथ में 6-6 एयरपोर्ट शुरू में दे दिए गए थे, तमाम चीज़ें, मेरे पास कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं, अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूंगा तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसी चीज़ें उसके हाथ में आ जाती हैं तो अब ये बताइए बाकी। मोदी जी की सरकार ने कहा कि शेल कंपनियां बंद करा दी लाखों की तादाद में, बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के बिजनेस गलत थे बंद कर दिए, लेकिन ये बड़ा, अगर कोई बागड़ बिल्ला है, अगर कोई बागड़ बिल्ला है, उसको बंद कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं आपको दर्शकों को एक चीज़ मैंने लिखी थी, वो निकाली थी, वो मैं दिखा देता हूँ कि इसके हाथ में क्या क्या आ चुका है, क्या क्या नहीं आया है। एयरपोर्ट्स हैं, कोयल है, जहाज़ हैं, डिफेंस के आइटम हैं, डिफेंस के विभाग हैं, वो अडानी साहब संभालते हैं। तो दर्शकों, खबर को थोड़ा सा आज भूमिका ज़्यादा बड़ी बांध दी गई होगी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे माहौल में फाइनेंशियल टाइम की खबर मैं कैसे बताऊँ आपको, तो मुझे लगा कि सिर्फ राहुल गांधी की ये वाली बात बता देता हूँ कि ऐसा ऐसे हुआ है कि जब हमारी मार्केट बैड डेप्ट हो जाएगी या शक की नज़रों से देखी जाएगी तो बाहर का पैसा नहीं आएगा, वो हमारे देश के लिए मुनासिब नहीं। अब आप कहेंगे यार फाइनेंशियल टाइम्स और ये हमारी साथी पत्रकार ने आपको बता दिया था, लेकिन एक मिनट में बता देता हूँ सरल भाषा में, सिर्फ इतना बताता हूँ। किसी भी कंपनी का देखिए, आपका इलाका है उसके अंदर आपकी कॉलोनी में 100 मकान है, 75 मकान एक आदमी के हैं, बाकी 25 मकान आम पब्लिक के हैं। उन मकानों के अंदर 25% में कोई ऐसा मकान हो जो बिक जाए 3 करोड़ रुपए का और वो है 1 करोड़ का, तो अब ये बताइए, और वो खरीदने वाले 25% मकान में से 12 मकान 13 मकान 13.5% के करीब वो है, 13 मकान खरीद ली जाए 3-3 करोड़ रुपए में, तो अब ये बताइए उस कॉलोनी की पूरी पोजीशन 3-3 करोड़ की हो जाएगी या नहीं? कि यार 3 करोड़ के 13 मकान बिक चुके हैं, बिल्कुल ये स्थिति है। 75% जो शेयर था वो तो अडानी साहब के पास था, पब्लिक के लिए जो 25% था उसमें से इनका भाई बैठा है बाहर, उसने अपने 2 गुर्गे लगाए, ऐसा ये फाइनेंशियल टाइम रिपोर्ट बताती है, उसने यहाँ पैसा लगाया, उसने ज़्यादा पैसों पे ख़रीदा गया, अब वो तमाम के तमाम 100% जो शेयर हैं वो महंगे हो गए, वो लेकर पहुंचे बैंक, वही हिंडनबर्ग ने जो बताया था, और अडानी साहब की कंपनी ने भी कहा है कि रिसाइकल आरोप हैं, ये वही आरोप आ रहे हैं, बिल्कुल वही आरोप हैं, और साबित होते हैं इस बार डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस बार नई चीज़ ये आई कि इसमें 2 लोगों के नाम भी आ गए, तो
तो ये वो पूरी कहानी है, मैंने कम शब्दों में आपको बता दी, बहुत भारी करके बताऊंगा नहीं समझ में आएगी। तो दर्शकों ये फाइनेंशियल टाइम्स का और गार्डियन का जो बड़ी संस्था है जो खोजी पत्रकारों की थी, यहाँ के पत्रकार कैसे हैं वो तो आप जानते ही हैं, उन्होंने मेहनत करके जो निकाले हैं वो हमारा DRDI और हमारा SEBI और ये तमाम चीज़ें ये लोग नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने ढूंढा और सबूत के साथ वो आए और उन्होंने बता दिया हिंडनबर्ग के जो आरोप थे वो बिल्कुल ठीक थे और ज़्यादा खुलासा हो गया कागजों के साथ। मेरी चिंता फिर वही है जो राहुल गांधी ने कही, हमारा स्टॉक मार्केट अगर बदनाम होता है और पता चलता कि ये तो मैनिपुलेट करके पैसा बढ़ा दिया जाता है तो बाहर का लोग यहाँ पर आने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, ये मेरा मकसद था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।